हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और स्वागत है विश्वजीत सिंह के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं निकल चुका हूँ साई मंदिर के लिए। और चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं साई मंदिर। तो फाइनली हम लोग साई मंदिर के पर आ चुके हैं और ये है साई मंदिर। ठीक है, अभी रुकिए, चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। साई मंदिर का बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है इसका। ठीक है, इसमें दो दो को गेट है, एक सामने से भी, उधर साइड से भी, ये इधर साइड से है। मैं एक्चुअली पहले वाले ब्लॉग में शूट करके दिखा चुका हूँ, बट उस समय पर खुला नहीं था और आज के डेट में खुला है और आज प्रसाद वितरण हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर से हम लोग वीडियो नहीं शूट कर सकते क्योंकि यहाँ पे कैमरा करना अलाउ नहीं है। बट ये साई मंदिर है और साई भगवान का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मूर्ति जो है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। कभी भी आप लोग गाजीपुर में आइएगा तो इधर साइड विजिट करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और इधर साइड में आने के बाद दुर्गा माता का मंदिर है छोटा सा। हम लोग इस अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर कैमरा करना, हम पूछे एक लोग से तो बोले कि भैया अंदर ना जाके वीडियो बनाइए, बाहर से आप शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दुर्गा माता का मंदिर है और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा। ये आगे नंदी भगवान है और बीच में शंकर भगवान का बीच शिवलिंग है। और इधर साइड में आने के बाद कृष्ण जी का मंदिर है छोटा सा। यहाँ पर क्या है ना कि हर देवता देवी का मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे देवता देवियों का। और यहाँ पे आरती मंदिर जो शाम को आरती वगैरह होता है, बहुत मज़ा आता है। कभी भी विजिट करिएगा शाम की तरफ तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। ये भोले भगवान का मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर। और इससे बगल में ही जाने के बाद ये देखिए कुछ अलग से नज़ारा मिल जाता है, जो गंगा माता है बगल में ही। गंगा माता है यहाँ पे और कुछ ऐसे दिखाई देता है बाहर का दृश्य, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शाम को। शाम को सुबह में बहुत सारे लोग भी आते हैं टहलने और दर्शन करने, बहुत अच्छा लगता है। इधर बगल में गंगा माता है तो इनका भी दर्शन हो जाता है। वितरण हो रहा है जो तारी खिचड़ी होता है, सॉरी खिचड़ी होता है प्रसाद में। तो चलिए चलते हैं, हम लोग भी लेते हैं। और चोखा मिल रहा है, देखते हैं हम लोग भी। पलाटी देंगे बाहर ले लगा, तू कले बा हम ले लेते तेरे विक्रम के साथ। पलाटी खिचड़ी और चोखा मिला है। ठीक है, ये भगवान का प्रसाद है यहाँ पे, साईं भगवान का प्रसाद खिचड़ी ही मिलता है और खिचड़ी चोखा। ठीक है, तो चलिए चल के बाहर ग्रहण करते हैं इसे। देख सकते हैं आप लोग, सामने से कुछ ऐसा नज़ारा है साईं मंदिर का जो रोड पे से ऐसा ही दिखाई देता है। हालांकि हम लोग ज़्यादातर उस उधर साइड से एक रास्ता है, ठीक है, उधर साइड भी गेट है, हम लोग उधर साइड से जाते हैं। और ये है मेन ऐसा अंदर, आगे से कुछ ऐसा नज़ारा है साईं मंदिर का। ठीक है, और यहाँ पर प्रसाद वगैरह खरीद के बेचा जाता है, लोग खरीदते हैं यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा वहाँ से वहाँ तक, ये पूरा का पूरा अफीम फैक्ट्री है। ठीक है, चलिए अफीम फैक्ट्री का आज भी वो वीडियो शूट करते हैं, आगे चल के वीडियो। ये अफीम फैक्ट्री बहुत ज़्यादा दूर में फैला हुआ है, चलिए आगे चलते हैं अफीम फैक्ट्री के गेट। ये साईं मंदिर से जैसे ही हम लोग निकलते हैं ना तो पूरा ये अफीम फैक्ट्री का पड़ता है। और ये जो पूरा आप लोग देख रहे हैं पूरा अफीम फैक्ट्री है और बहुत लंबा में फैला हुआ है। और अफीम फैक्ट्री मतलब चारों तरफ से, ये गाजीपुर में मेन महुआ भाग में ही अफीम फैक्ट्री का पड़ता है। ठीक है, और मैं अभी देखता हूँ कि अफीम फैक्ट्री जब भी, अभी नहीं बाद में कभी आऊँगा तो यहाँ से परमिशन लूँगा कि अफीम फैक्ट्री का वीडियो शूट करने के लिए। जाने का बहुत इच्छा है कि कभी चले अंदर। और ऐसे आने के बाद यही अफीम फैक्ट्री का जो गेट है, मेन गेट यही है। और ये अफीम फैक्ट्री का गेट है मेन, आप लोग देख सकते हैं सरकारी अफीम फैक्ट्री। और रास्ता आता है और इधर साइड में चल जाता है कचहरी की तरफ। ठीक है, और यही रास्ता आप लोग देख रहे हैं, यही जाता है साईं मंदिर की तरफ। तो अभी हम लोग साईं मंदिर अपनी फैक्ट्री आप देख लीजिए, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, क्या कहते हैं कि
जमा हुआ मैं आया था। एक्चुअली मैं सोचा कि अभी पूछ के देखता हूँ कि क्या शूट करने देते हैं या नहीं, तो बोले कि नहीं नहीं शूट हो सकता है, क्योंकि फोटो भी या चाहे वीडियो कुछ भी नहीं शूट हो सकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग सामान पता नहीं कुछ ऐसे ही बोल रहे थे कि उस समय का है ये फिल्म फैक्ट्री, तो यहाँ पर शूट करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो फोटो भी या वीडियो भी तो नहीं शूट होगा अभी फिलहाल में, तो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं और आज तो आप लोग देखेंगे हम आप लोग को साईं मंदिर का दर्शन कराएं, और आप लोग को आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, और तो इसी बात पे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बस ये ब्लॉग यहीं तक रहेगा। थैंक यू सो मच।